Hey there, welcome back to my channel, The Crafty Guy. तो आज के इस वीडियो में मैंने एक 3D पेंटिंग बनाई है. So without wasting any moment, let's get started. तो यहाँ पे आप देख चुके हैं मेरी पेंटिंग कि ये कितना ट्रेडिशनल वाइब दे रही है. जैसे कि हम जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंडियन ट्रेडिशन आता है. सो यहाँ पे मैंने फेविक्रिल मोल्डेड क्ले लिया है और उसका जो रेजिन और हार्डनर दोनों पार्ट था उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है. उसके बाद मैं इसको बहुत पतला रोल कर लूँगी, एकदम इवनली रोल कर लूँगी मैं इसको. और उसके बाद अब मैं एक वुडन बेस लूँगी, एक बोर्ड लिया है मैंने और उस पर मैं इस रोल किए हुए क्ले को यूज़ करके इंडिया लिख दूँगी. सो यहाँ पे मैंने आई बना लिया है और ये सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं NDI और बना लूँगी. सो आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल द लेटर्स, अब ए के लिए मैं यहाँ पे एक पपेट बना दूँ. तो बेसिकली ये एक राजस्थानी पपेट है जिसको हम कठपुतली भी बोलते हैं. तो यहाँ पे मैं एक लेडी का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ और अब मैं इस फिगर पे क्ले का कोटिंग दे दूँगी ताकि ये 3D लगे. सो यहाँ पे मैंने अब इसका स्कर्ट को क्ले से कवर कर दिया है. उसके बाद अब मैं इसका अपर बॉडी पार्ट कवर करूँगी एंड नाउ मैं उसका फेस बनाऊँगी. अब हम इसमें फर्दर कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे कि जो पपेट है उसमें मैं रोप यूज़ कर रही हूँ जिसकी हेल्प से हम उसे मूव कराते हैं. और बाउंड्रीज पे मैं कुछ डॉट्स ऐड करूँगी यहाँ पे क्ले से. एंड आफ्टर दैट मैं क्ले को यूज़ करके जो पपेट है उसका ज्वेलरी तैयार करूँगी. तो जो राजस्थानी पपेट होता है ना, उनके लिए बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है राजस्थानी कल्चर में. अब उसके बाद मैं यहाँ पे POP और ग्लू का एक पेस्ट बना के इसके बेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी. एंड देन मैं यहाँ पे एक मजेंटा कलर का शेड तैयार करूँगी उसके बेस पे अप्लाई करने के लिए. और जो उसके लेटर्स है ना, इस पर मैं येलो कलर कर रही हूँ ताकि जो लेटर्स है वो और भी ज़्यादा पॉप करें. सो मैं यहाँ पे सभी लेटर्स पे येलो कलर कर लूँगी. जो इसका ए लेटर है उसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करूँगी. तो यहाँ सबसे पहले इसकी स्कर्ट में मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है और इसी सेम ग्रीन कलर को यूज़ करके मैं इसका चुन्नी भी बना दूँगी. सो आफ्टर एडिंग चन्नी मैं इसके अपर बॉडी पार्ट में ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ. एंड जो इसका बेल्ट होगा और इसकी अदर एसेसरीज हैं उसमें मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी. एंड आफ्टर दैट फेस के लिए ऑब्वियसली स्किन कलर रहेगा. तो अब हम यहाँ पे इसमें और डिटेलिंग ऐड करेंगे. सो डिटेल ऐड करने से ना चीज़ में एक तरीके से जान आ जाती है. तो यहाँ पे मैंने इसका जो लहंगा है उसमें मैं डिफरेंट कलर से डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ. एंड यू कैन सी ये कितना सुंदर लगने वाला. तो अब मैं यहाँ पे येलो कलर से कुछ ज्वेलरी बना दूंगी. और जो हमने डॉट्स बनाई थी ना क्ले से उस पर मैं वाइट और येलो कलर कर दूंगी. सो आप लोग कमेंट में जरूर बताना सब कि आपको इंडिया में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है. मेरे को तो इंडियन ट्रेडिशन बहुत पसंद है. सो एज यू कैन सी ये हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है एंड ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन एज यू नो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए. बाय बाय.